हेलो फ्रेंड्स, चावला पेन स्टॉक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करें सुजलोन एनर्जी के बारे में। अभी 8 बजे अब तक की सबसे बड़ी खबर है, मोतीलाल ओसवाल ने करोड़ों का माल खरीदा, अब करेगा लाइफ टाइम हाई को पार। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास में सुजलोन का एक भी यूनिट है ना, ये वीडियो ओनली आपके लिए। डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरू से एंड देख दे। देखो, ये सुजलोन एनर्जी है, अभी अभी खबर आई है, देख लेते हैं कौन सी खबर है क्या है, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, प्रमोटर के पास में देखो अभी है 14.50% की हिस्सेदारी, और एफआई वाले के पास में अभी है 7.84% की हिस्सेदारी, और डीआई वाले के पास में अभी है 8.84% की, और पब्लिक के पास में है 69% की हिस्सेदारी। ये तो हमने देख ली नॉर्मल शेयर होल्डर पैटर्न, बट रातों रात क्या चेंज हो गया उस पर चलेंगे दोस्तों, कि अभी अभी जस्ट क्या न्यूज आई है। शेयर की डिटेल है जो देखो यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों। देखो, लेकिन उससे पहले देखो यहाँ पर नेगेटिव 12 चीज़ें हो गई है, उसमें पॉजिटिव 10 चीज़ें हो गई है, और यहाँ पर मैं आपको शेयर होल्डर पैटर्न है जो वहाँ बदला हुआ वो देख लेंगे। देखो दोस्तों, पहले एफआई वाले के पास में 6.29% की हिस्सेदारी थी, अब 10.44 कर ली है, मतलब एफआई वालों ने माल दबा के उठाया है। और म्यूचुअल फंड के पास में पहले 6.006 थी, अब 0.07 कर ली है, मतलब म्यूचुअल फंड और एफआई वाले लगातार है हिस्सेदारी खरीद रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ पर म्यूचुअल फंड में कौन कौन से बड़े फर्म है वो हम देख लेंगे दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरी डिटेल से देख लेंगे कि कौन कौन से है। यहाँ पर देखो, ये है प्रमोटर होल्डिंग, प्रमोटर आपने देख लिया नॉर्मल। इंस्टीट्यूट में देख लेते हैं कि इंस्टीट्यूट वाले कौन से है। देखो यहां पर इंस्टीट्यूट होल्डिंग 16.9% की होल्डिंग है इंस्टीट्यूट की वाले, माने नॉन पब्लिक नॉन में देख लेते हैं, उनको छोड़ो, अपन को देखना है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के अंदर कौन कौन से आते हैं वो अपन को देख लेते हैं। देखो, एक तो आईसीआईसी, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो आईसीआईसी ने माल खरीदा है, ये सितंबर क्वार्टर है, और ये अगस्त क्वार्टर है, और ये जून क्वार्टर है, ठीक है, आईसीआईसी के पास में माल है। ये रहा मोतीलाल ओसवाल, देख लो मोतीलाल ओसवाल, यहाँ पर इनके पास में, यहाँ पर ये शेयर है इनके पास में, ये इलाकों में शेयर है, और यहाँ पर देख लो आईसीआईसी ने खरीदा, मोतीलाल ओसवाल ने, कोटक महिंद्रा बैंक ने। अब देख लो भैया, सुजलोन में है कौन कौन से हैं बड़े बड़े फर्म, यहाँ पर निप्पॉन इंडिया, माय गॉड, कोटक, मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसी, मोतीलाल ओसवाल। यहाँ पे अब देख लो म्यूचुअल फंड में जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं ना दोस्तों, उनके नाम है आईसीआईसी, जो ये म्यूचुअल फंड के तहत आते हैं। और स्टॉक शेयर होल्डर पैटर्न देख लेते हैं, और यहाँ पर देखो इंडिविजुअल होल्डिंग क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो करोड़ों का माल, करोड़ों का माल उठा रखा है इन बंदों ने जो म्यूचुअल फंड में आते हैं। देखो बैंक ऑफ फाइनेंस, देखो बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीआई बैंक, इनको आपको छोड़ना है। अपन को क्या देखना है कि भैया मोतीलाल ओसवाल के पोर्टफोलियो में, भाई मोतीलाल ओसवाल को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, आईसीआईसी बैंक के पास में है, आईसीआईसी बैंक नहीं है, आईसीआईसी ये दूसरा है, मोतीलाल ओसवाल है, आईसीआईसी ये दूसरा है, मोतीलाल ओसवाल है, कोटक निफ्टी है, निप्पॉन इंडिया है, इनके पास में सुजलोन है। अब इनके पास में सुजलोन क्या कर रहा है भाई, देखो सुजलोन 400 प्लस का स्टॉक था, बट मार्केट की तबाही की वजह से, जब कोई जानता नहीं था सोलन एनर्जी टर्बो वाइन पावर चक्की को, कोई नहीं जानता था, जब 400 का हाई लगाया था, बट अभी लोग नामात्र के जानते हैं, बट आने वाले 2 साल 5 साल 10 साल में बच्चा बच्चा जानेगा, तो सोच लो सुजलोन कहाँ जाएगा भाई, सोच लो, खुद सोच लो सुजलोन कहाँ जाएगा। तो सुजलोन को क्या लॉन्ग टाइम का नजरिया रखो। और यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहे हैं, होल्डर्स है ब्लू कलर, और ये ग्रीन कलर है, ये बोट है, यहाँ पे सोल्ड है, मतलब सोल्ड किसी ने किया ही नहीं भाई, किसी बड़ी हस्ती ने माल बेचा ही नहीं, जबकि बड़ी बड़ी हस्तियों के पोर्टफोलियो में आपको सुजलोन मिल जाएगा। तो टाइटली होल्ड कर लो, हर गिरावट में करूँ तो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा रिटर्न निकाल के दे देगा। आई होप सारी बात समझ गए होंगे दोस्तों। थैंक यू।